So guys, हुआ कुछ यूं कि मैं गया था एक बजट ओरिएंटेड फोन लाने रिव्यू के लिए, और मैंने सोचा कि एक गेमिंग फोन ढूंढते हैं इस बजट के सेगमेंट में। और मेरे माइंड में एक फोन था, लेकिन मैं जब गया स्टोर पे और जाके ये वाला फोन जो मैंने देखा, जो अभी आप देखने वाले हैं, ये देख के मतलब मेरा माइंड में और कुछ सूझा ही नहीं। और मुझे पता है कि मेरे तरह और भी ना जाने कितने एवरेज जो यूजर्स है वो इस फोन को देख के मतलब दूसरे फोन के बाद भूल ही जाएंगे। ठीक है, जो फोन खरीदने जाएंगे वो नहीं खरीदेंगे, ये देख के बिल्कुल यही उठा के लाएंगे। और इसमें कोई मतलब दिक्कत भी नहीं है इस फोन में, ठीक है, लगभग सब कुछ इसमें बढ़िया था, लेकिन मुझे तो चाहिए एक गेमिंग ओरिएंटेड फोन जो इस बजट में आते हैं। तो गाइस, क्या ये गेमिंग के लिए परफेक्ट है या नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है जिसका आंसर अभी आपको मिलने वाला है। और मुझे पता नहीं है कि क्यों मैं हर रोज मतलब वीडियो बनाने से पहले छोटा छोटा कॉमेडी क्लिप्स या फिर ऐसे ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, पता नहीं किस दिन मैं मुजरा करने लगूंगा। तो ये जो फोन है ये है Vivo Y73, और ये देखने में कितना खूबसूरत है ये तो आप लोगों को पता ही चल चुके होंगे कि मैं क्या कांड करके आया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये फोन देखने में आपके एक्स गर्लफ्रेंड से ज्यादा खूबसूरत है। और इस फोन का मार्केट प्राइस करंटली है 21,000 रुपीज, जिसमें आपको 8GB और 128GB वाला वेरियंट मिल जाते हैं। और गाइज, इस फोन के अंदर है MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, जो काफी एक तगड़ा प्रोसेसर है। सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर जो कैमरा वगैरह है ये भी काफी अच्छा है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो काफी अच्छा फोटो प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलते हैं 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, काफी बढ़िया डिस्प्ले, काफी ब्राइट भी है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ये है गेमिंग के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं कि गेमिंग के बारे में भी क्या इतने ही खूबसूरत है ये फोन जितने मैं बता रहा हूं यहां पर स्पेक्स वाइज, क्या उतना है या नहीं ये तो पता चल जाएंगे अभी। तो पहले शुरू करते हैं BGMI के ग्राफिक्स से, और यहाँ पर जो ग्राफिक सेटिंग्स है यहाँ पर आपको स्मूथ के साथ अल्ट्रा तक FPS देखने को मिलते हैं, बैलेंस्ड के साथ भी अल्ट्रा है, और जो HDR है इसके साथ आपको मिल जाते हैं हाई FPS। लेकिन यहाँ पर HDR का ऑप्शन नहीं है, जो बिल्कुल एकदम डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है काफ़ी कैपेबल है इसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑडियो की अगर बात करें तो यहाँ पर अल्ट्रा ऑडियो तक नहीं दिया गया, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं इस फ़ोन के साथ, मुझे कुछ पता नहीं चला कि अल्ट्रा भी नहीं दिया गया है ऑडियो के अंदर। खैर, अभी तो चलते हैं TDM के अंदर, और गेम खेलते खेलते आप लोगों को और भी चीज़ें बताता हूँ कि मैं जब क्लासिक वगैरह खेला इस फ़ोन में, जो अभी तो दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो TDM खेलते खेलते आप लोगों को बताता हूँ कि क्लासिक वाला परफॉर्मेंस कैसा है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये हमारा TDM मैच स्टार्ट हो चुके हैं, और पहले बात करते हैं कि इस फ़ोन को पकड़ने में कैसा है, क्योंकि गेम खेलने के लिए ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और गाइस, ये फ़ोन जो है काफ़ी स्लीम है, और पीछे आप देख सकते हैं एक ग्लास टाइप का प्लास्टिक की जो आप पैनल देख सकते हैं, जो आपको ग्लास टाइप का फील देते हैं, तो ये हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगते हैं। और इसीलिए जो हीट प्रोड्यूस होते हैं ये भी इतना आपको हाथ को महसूस नहीं होते, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मैं काफ़ी देर तक गेम खेला इस फ़ोन में, लेकिन हीट मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। और साथ ही साथ बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में। देखिए, सच बताऊँ तो बैटरी के बारे में इतना ज़्यादा मैं ओपिनियन नहीं देना चाहता, क्योंकि ये जो बैटरी है ये डिपेंड करते हैं मैन टू मैन पर कि वो कैसे यूज़ करते हैं फ़ोन को, कैसे चार्जिंग पे लगाते हैं। और वैसे भी नए नए एंड्रॉयड फ़ोन काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दे देते हैं, जो इस फ़ोन में भी आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि 33 वाट का फास्ट चार्जर है, जो आपको लगभग 1 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज करके देगा। लेकिन जो बड़ी बात है ये है FPS की, रियल वर्ल्ड यानी कि जब गेम आप खेलते हैं तब आपको FPS कितना देते। देखिए, सच बताओ तो जो ये TDM मैच वगैरह है यहाँ पर तो आपको काफ़ी अच्छा स्टेबल FPS देखने को मिलते हैं, जो 45 FPS है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अल्ट्रा तक ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये फ़ोन काफ़ी कैपेबल है 60 FPS के लिए। लेकिन जो TDM है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत आते हैं ये है क्लासिक मैचेस के अंदर। क्लासिक मैच में दोस्तों ये मुश्किल से 40 FPS प्रोड्यूस कर पाते हैं, और वो भी इतना कंसिस्टेंसी से नहीं, लगभग ज़्यादातर टाइम आपको 35 FPS दे देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल से। तो ये काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में जो और एक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं वो उसमें भी है, और ये है कि जायरो डिले। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर लोगों को ही नोटिस नहीं होगा, और ये इतना मेजर कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। तो इसीलिए गेमर्स के लिए तो ये फ़ोन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर यहाँ पर अपडेट के बाद जो गेम है इसको ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज्ड किया जाए, और गाइस इसमें 45 FPS कंसिस्टेंसी के साथ दे देता है, तो ये काफ़ी अच्छा एक डील बन सकते हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल मैं तो बिल्कुल जो हार्डकोर गेमर है उनको ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा,
जिनको दोस्तों थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना है और साथ ही साथ अच्छा खासा फोटोज चाहिए, वीडियोस भी चाहिए, तो गाइस वो डेफिनेटली इस फोन को सोच सकते हैं, क्योंकि इस फोन का जो कैमरा है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से फोटोज और वीडियोस निकलते हैं इस फोन से, और साथ ही साथ देखने में तो बिल्कुल एक नंबर है ही। और क्योंकि इसके अंदर एंड्रॉयड 11 है तो इसीलिए आप GFX टूल या फिर ज़्यादा आसानी से कुछ मॉडिफाई करके 60fps इसके अंदर नहीं ला सकते, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए 21,000 रुपये में आपको जो भी सारे चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं स्पेक्स वाइज, तो ये काफ़ी बढ़िया डील है। और फ़ोन जो देखने में है ये तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है, और ये खास करके लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें लड़कों का और गेमिंग का, तो गेमिंग में अगर आपको बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फ़ोन तो आपके लिए नहीं है। शायद हो सकते हैं कि नेक्स्ट कोई अपडेट में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, फिक्स हो जाए, तो शायद आपको कुछ मदद हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करके तो आपको फ़ोन नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप एक एवरेज यूज़र है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा ये फ़ोन आपके लिए है, क्योंकि इसमें कैमरा वगैरह बहुत ही बढ़िया है और देखने में तो बिल्कुल एक नंबर है ये फ़ोन। तो ये फ़ोन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको हार्डकोर गेमिंग नहीं चाहिए तो। तो गैज़ ये था फुल गेमिंग रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा वाला फ़ोन चाहिए गेमिंग रिव्यू के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा वो फ़ोन लाने के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं और ऐसे भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर से लाइक कीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। Thank you.